हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ फिर से आ चुकी हूँ, इशिका सेन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था आई तक। आई को मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हम लोग आई का एग्जांपल पढ़ रहे थे। आई, ई और अ, तीन साउंड्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। आई का आई साउंड कब आएगा? जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड, हाइड, उसके बाद हाइड, लाइक। अब जब इसका ई का साउंड आएगा तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटर, है ना। जैसे अ का साउंड आ रहा है तो अ में हम इसको पढ़ेंगे इंटर। उसके बाद ज का जब साउंड आएगा तो उसको पढ़ेंगे ज, ज का ज ही साउंड रहेगा। य का, उसके बाद जब क की बात करेंगे तो के का साउंड रहेगा, ल का ल ही रहेगा। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पे आता है? ओ के साउंड में। उसके बाद ओ में जब हम बात करेंगे तो ओ का साउंड आएगा। ओ, अ और आ, इन तीनों का अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो ओ का साउंड आएगा ओनली, सन और अपॉर्चुनिटी। इनके एग्जांपल्स के लिए, जैसे कहीं पे ओ का एग्जांपल, कहीं पे ओ का साउंड ओ आएगा, कहीं पे अ आएगा, कहीं पे आ आएगा। उसके बाद जब हम प की बात करते हैं तो प और फ, प से हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हमको मिल जाएंगे, पेन, पेंसिल, है ना। और उसके बाद अगर अपन फ की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फ़ोन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यू। क्यू का हर जगह पे जो साउंड होगा फोनेटिक वो क्वा ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट साउंड हमारे पास में आता है आर। आर का साउंड आर ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एस। एस के लिए हमारे पास दो फोनेटिक साउंड बताए गए हैं, स और श। स एक नॉर्मल सा साउंड है जो हमें नॉर्मली देखने पे समझ आ जाता है कि इसे हम स पढ़ेंगे, लेकिन श, श के, श ऐसा प्रोनाउंस है जहाँ पे इसको अलग 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 वर्ड के साथ में प्रोनाउंस किया जा सकता है। जैसे श को एस एच के साथ में भी प्रोनाउंस किया जाता है, टी आई ओ एन के साथ, टी आई ओ एन है तो उसको भी हम शन पढ़ते, जैसे इंट्रोडक्शन, शाइन। और स से अगर हम बात करेंगे तो सन, है ना। वैसे अगर अपन ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? टी का साउंड हो जाएगा। यू की बात करें तो क्या साउंड हो रहा है? ऊ, अ और यू। ऊ का साउंड कहाँ पे आएगा? योर। और अ का साउंड कहाँ आएगा? सन, एस यू एन वाला सन जो होता है, सन, सूर्य वाला, उसमें यू होता है, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? अप्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट फोनेटिक साउंड है इसका, वो है यू। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट लेटर हमारे पास यू है, वो साउंड हमें फोनेटिक देता है यू का। उसके बाद अगर हम वी की बात करेंगे तो वी व का ही साउंड देगा, जैसे वैन। उसके बाद अगर अपन एक्स की बात करें तो एक्स कहीं पे तो आप कक्स का बस साउंड देगा और कहीं पे ज का साउंड देगा, क्वेश्चन और एक्सरे, और कहीं पे ज का साउंड देगा। ज का साउंड कैसे देगा? जैसे जेब्रा, जैसे ज। उसके बाद जब अपन वाई की बात करेंगे तो वाई साउंड देगा हमें य का। उसके बाद जेड की जो बात करेंगे तो जेड हमें साउंड देगा ज का। यहाँ पे हमारे सारे फोनेटिक साउंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे डी फोनेटिक साउंड है, और यही हमें प्रोनाउंस करने पे पता पड़ते हैं कि कौन सा लेटर हम सही पढ़ रहे हैं और कौन से वर्ड को हम कहाँ पे गलत पढ़ रहे हैं। थैंक यू।